संचार क्रांति के अग्रदूत, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले और लोकतंत्र की अलग जगाने वाले, चाहे आंतरिक लोकतंत्र हो, ऐसी शख्सियत का आज 75वां जन्मदिवस है। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व के अंदर आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस शख्सियत को याद किया गया जिस शख्सियत ने जिन दिल्ली के उन मकानों के अंदर जिस व्यक्ति ने अनेक बड़े दूध बेचा था और वहीं बैठकर उस शख्सियत ने देश की नीतियों को, देश को, कार्य को संपादित करने का प्रयास किया गया था। ऐसी शख्सियत का जन्मदिन आज हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि जब इस देश के अंदर फासिस्टवादी ताकतें देश में सर उठा रही है, चाहे वो NRC के मामले में हो, चाहे CA के मामले में हो, चाहे संविधान को नष्ट करने के मामले के अंदर हो, तो आज हम तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात का भी हमने संकल्प लिया है कि देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के स्वाभिमान को और देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा एकजुट था, एकजुट रहेगा और जनता की अंतिम आवाज़ को उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस बात का भी संकल्प लिया है कि हमारे जीते जी किसी भी स्थिति में देश के संविधान को समाप्त नहीं करने दिया जाएगा, देश की अखंडता को भी कायम रखने दिया जाएगा और देश की आज़ादी के अंदर जिस तरह का आपने योगदान दिया था, याद कीजिए आप कि आपके उस जमाने के अंदर जब चंद्रा स्वामी जैसे व्यक्ति को जेल की सलाखों में डाला था, ऐसे निर्भीक व्यक्ति का जब आज जन्मदिन है तो हम कांग्रेस जन एक नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, नए लक्ष्य के साथ इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि हम अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के आँख के आंसू पोंछने का प्रयास करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, जनता के साथ सहभागी बनेंगे। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 76वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको सशस्त्र नमन, सशस्त्र वंदन। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई महेंद्र सिंह जी रलावता साहब आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ सम्मिलित हुए और राजेश पायलट जी की जिस तरह जो शख्सियत वो हमारे देश की थी, उनको कभी भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। किसानों के लिए जो उन्होंने लड़ाई की, एक आम आदमी के लिए, एक छोटे कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरह उन्होंने लड़ाई की, जिस तरह उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा की, चाहे मैटर हो, चाहे देश में भ्रष्टाचार का मैटर हो, चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों का जाल बिछाने का मैटर हो, चाहे देश में हमारे IT का मैटर हो, उन्होंने हर चीज़ में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए आज हमारे देश के अंदर जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं, उनके कार्य निश्चित तौर पर कभी भुलाए नहीं भुला सकते। उनको मैं पुनः एक बार सशस्त्र नमन, सशस्त्र वंदन करता हूँ कि उनके जन्म जयंती पर आज हम यह प्रण ले कि ऐसी ताकतें जो हमारे देश को कमज़ोर करने में लग रही हैं और हमारे देश के साथ भाई को भाई के बांटने में लग रही हैं, हमें पुरजोर तरीके से उन लोगों से डटकर मुकाबला करके लड़कर हमारे देश को एक सशक्त राज और सब में भाईचारा और मिलजुल कर रहने का वातावरण बनाना है।